नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज ही दिनांक 4 जनवरी और आज हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज के क्वेश्चन का PDF आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले प्रमुख कौन बने? हु हैज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट चीफ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन NMC? इसका सही उत्तर है सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें दिल्ली एम्स ENT के हेड नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल के लिए शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के गवर्नर एक समान पद के लिए आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम 2019। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम 2019 गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है। यह देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। चिकित्सा शिक्षा पेशे और संस्थानों के सभी पहलुओं के विकास और विनियम के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिम्मेदार लेती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल काउंसिल का गठन 29 दिसंबर 2017 को हुआ था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2019 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? विच एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2019 बिगान? इसका सही उत्तर है C-28। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2019 का 28वां संस्करण शुरू हुआ है। बता दें वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अपने 28वें संस्करण में इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि महात्मा गांधी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लेखकों की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित किया। ITPO के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया। विश्व पुस्तक मेला 2020 के लिए थीम है गांधी द राइटर्स राइटर। गांधी की 125वीं जयंती मनाने के लिए साबरमती आश्रम से प्रेरित थीम मंडल दीवार पर चढ़ने के रूप में हाथ से घूमने वाली सामग्रियों का उपयोग करता है। गांधी द्वारा विभिन्न भाषाओं में 500 पुस्तकों की एक विशेष प्रदर्शनी के अलावा यह 30 पैनल चर्चा पुस्तक लॉन्च और थीम से संबंधित प्रदर्शनी की मेजबानी भी करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग विकास के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने साइबर सुरक्षित महिलाओं की पहल शुरू की? विच स्टेट लॉन्च साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव? इसका सही उत्तर है A-महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने साइबर सुरक्षित महिलाओं की पहल शुरू की है। बता दें महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सुरक्षा के बारे में राज्य के सभी जिलों में जागरूकता शिविरों की शुरुआत की है, जिसके तहत एक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह पहल महिलाओं को शिक्षित करने में मदद करेगी कि कैसे असामाजिक तत्वों और बाल शिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए वेब का उपयोग किया जाता है। साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और सरकार इन आपराधिक गतिविधियों के लिए महिलाओं और बच्चों को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयोग करना चाहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किस शहर में शुरू हुआ? IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 बिगान इन विच सिटी? इसका सही उत्तर है C-ले। लेह में IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 शुरुआत हुआ है। बता दें लेह लद्दाख में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 शुरू हो गई है। लेह में करजू आइस हॉकी रिंग में यह टूर्नामेंट 7 जनवरी तक जारी रहेगा, जहां सेना चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और घरेलू टीम लद्दाख अंडर-20 बालक वर्ग में चैंपियनशिप के लिए भाग ले रहे हैं। बालिका वर्ग में लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं। चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच अंडर-20 बॉयज वर्ग के उद्घाटन मैच खेले गए हैं। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं AKL कुमार। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
लाई हरोबा का अनुष्ठान समारोह किस राज्य में शुरू हुआ? लाई हरोबा रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल बिगान इन विच स्टेट? सही उत्तर है सी त्रिपुरा। त्रिपुरा में लाई हरोबा का अनुष्ठान समारोह शुरू हुआ है। बता दें त्रिपुरा में लाई हरोबा मणिपुर मेइती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक उत्सव अगरतला में शुरू हुआ। 5 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन संयुक्त रूप से सूचना और संस्कृति मामलों के विभाग, त्रिपुरा सरकार, मुतिवा लाई हरोबा समिति और पुतिवा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी अगरतला द्वारा किया जाता है। लाई हरोबा को मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। मणिपुर से एक सांस्कृतिक मंडली भी उत्सव में भाग लेने के लिए आई है। वे त्यौहार के दौरान मणिपुरी मार्शल आर्ट, लोक संगीत और लोक नृत्यों सहित विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक संगीत स्किट का प्रदर्शन करेंगे। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केविक ने किस शहर में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? केविक ओपन फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन विच सिटी? इसका सही उत्तर है गुजरात। केविक ने गुजरात शहर में पहला रेशम प्रसंस्करण खोला है। आपको बता दें खादी और ग्रामोद्योग उद्योग केविक ने गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। रेशम यार्न के उत्पादन की लागत स्थानीय रूप से गुजराती पटोला साड़ियों के लिए कच्चे माल की बिक्री और उपलब्धता को बढ़ाती है। खादी संस्था द्वारा 75 लाख रुपए की लागत से संस्थापित संयंत्र, जिसमें केवाईआईसी ने 16 लाख रुपए का योगदान दिया। यूनिट ने 90 स्थानीय महिलाओं को रोजगार दिया है। केविक का फुल फॉर्म होता है खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? विच स्टेट सेलिब्रेट 2020 एज सुशासन संकल्प वर्ष? इसका सही उत्तर है ए हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। बता दें 2020 की पहली कैबिनेट बैठक में हरियाणा सरकार ने 3 जनवरी को इस वर्ष को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक अप्रशिक्षित रहता है तो उसे परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड कर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वहां के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और राजधानी है चंडीगढ़। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम ओलंपिक योग्यता रैंकिंग में मीराबाई चानू की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मीराबाई चानू इन लेटेस्ट ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग? इसका सही उत्तर है बी 8th। नवीनतम ओलंपिक योग्यता रैंकिंग में मीराबाई चानू का रैंक 8वां है। आपको बता दें पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भालोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी अपने 8वें स्थान को बनाए रखा है। 49 किलो वर्ग में ओलंपिक योग्यता स्पर्धाओं में 2966.6406 रैंक अंक इकट्ठे प्राप्त किए हैं। चानू ने 2019 में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। उन्होंने स्नैच में 86 किलोग्राम और अप्रैल में एशियन चैंपियनशिप में कुल 199 किलोग्राम में क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सितंबर में विश्व चैंपियनशिप में आया था, जब मीराबाई ने तीनों वर्गों में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर बहुप्रतीक्षित 200 किलोग्राम के निशान को तोड़ दिया था। नवीनतम योग्यता रैंकिंग में शीर्ष 5 में 3 चीनी भारोत्तोलक शामिल है। विश्व चैंपियन और विश्व रिकॉर्ड धारक हो जीवी ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि जियांग हुई हुआ और झाग रोग ने क्रमशः 2रे और 4थे स्थान पर हैं। उत्तर कोरिया की री सोंग गम 42.4909 अंकों के साथ 3रे स्थान पर हैं। 5वें और 6ठे और 7वें स्थान पर यूएस के डेला क्रूज, जॉर्डन एलिजाबेथ, इंडोनेशिया के आइसा विंडी कैटिला और कोलंबिया के सिउगुड़ा एना आयरस
का कब्जा है। पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में यूथ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेरेमी लालिंगा को 2310.9653 अंकों के साथ 32वें स्थान पर रखा गया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वीन विश्वविद्यालय बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चांसलर ऑफ क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। इसका सही उत्तर है हिलेरी क्लिंटन। क्वीन विश्वविद्यालय बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में हिलेरी क्लिंटन को नियुक्त किया गया है। बता दें पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को बेलफास्ट आयरलैंड में क्वीन विश्वविद्यालय के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लिंटन जो 1995 में उत्तरी आयरलैंड के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पहली यात्रा के लिए नियमित आगंतुक हैं, विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर बनी है। वह 5 साल के कार्यकाल के लिए चांसलर के रूप में काम करेंगी। म्यूचुअल ऑफ अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी थॉमस जे मोरन के 2018 में निधन के बाद यह चांसलर का पद खाली है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ITTF रैंकिंग के अंडर 21 श्रेणी में नंबर 1 पैडलर कौन बने। हु बिकम द नंबर 1 पैडलर इन अंडर 21 कैटेगरी ऑफ ITTF रैंकिंग। इसका सही उत्तर है मानव टक्कर। मानव टक्कर ITTF रैंकिंग के अंडर 21 श्रेणी में नंबर 1 पैडलर बने हैं। बता दें पैडलर मानव टक्कर अंडर 21 श्रेणी में नंबर 1 पैडलर बन गए हैं। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF रैंकिंग के अनुसार 19 वर्षीय ने पोल की स्थिति लेने के लिए 9 स्थानों की छलांग लगाई है। हाल ही में पैडलर ने ITTF बेनमैक्स कन्या नॉर्थ अमेरिकन ओपन में अंडर 21 पुरुष एकल खिताब जीता है। वह ऐसा करने वाले सिर्फ 4th भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पिछले साल अंडर 18 श्रेणी में नंबर 1 स्थान भी प्राप्त की थी। अन्य भारतीयों में स्थानियान ज्ञानशेखरन वरिष्ठ वर्ग में अपने 30वें स्थान पर बने रहने में कामयाब रहे हैं। ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में, जिसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वेई कर्ट। चलते हैं आज के उस क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की गई है। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी अनाउंस टू ओपन इन विच स्टेट। इसका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।